हेलो दोस्तों, आज के एक नए बिजनेस आइडिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पता है कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ नए नए बिजनेस आइडिया कि जो कि बहुत ही कम से कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है दोस्तों कि आज के दिन लोगों के पास पैसा नहीं है और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। और वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा नॉलेज देने वाला हूँ कि आपको क्या माल लाना है, कहाँ पे मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा और उसको कैसे सेल करना है। वीडियो आपने बहुत देखे होंगे, लोग बता देते हैं ये लाओ वो लाओ बेचो, लेकिन उसको बेचने का सही तरीका नहीं बताते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है, इसकी डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है, और इसको कैसे बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ, टिप्स देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों बेचने का अगर आपके पास तरीका सही होगा तो आप माल को बहुत ही अच्छे तरीके से बेच पाओगे और अच्छा मार्जिन कमा पाओगे। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो ऐसे अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है वो मैं ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसको आप मात्र घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, घर पर जो भी आपका राशन पड़ा है, जो भी सामान पड़ा है, किचन से स्टार्ट कर सकते हो और उसको अपने सेल कर सकते हो, यानी घर से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा इसमें है कि अगर आप थोड़ा पैसा लगाना चाहते हो, थोड़ा इन्वेस्ट कर अच्छे से करना चाहते हो मार्केट में आप प्रोफेशनली तरीके से, तो उसको भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसको घर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद बताएँगे कि आपको अगर ज़्यादा पैसे लगाने हैं और ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, दोनों तरीके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि दोनों तरीके से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और घर की बात करें तो दोस्तों इस घर को आपको किचन से स्टार्ट कर सकते हैं, और दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बिज़नेस है नमकीन का बिज़नेस, इसको फरसान भी बोलते हैं, नमकीन बोल सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, तो इसको नमकीन का बिज़नेस बोलते हैं। अलग अलग टाइप के आप मार्केट में देखते हो, नमकीन आती है जो पैकेट में बंद आती है, बच्चे आजकल बहुत खाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है वो कब बना हुआ है, क्योंकि लोगों के ब्रांड के नाम पे सब कुछ माल बिक रहा होगा। और दूसरी चीज़ आपने देखी होगी जो प्लेन थैली के अंदर आते हैं, जो मार्केट में आप देखते हो लाइव दुकानें भी आजकल चल रही है, जहाँ पे डायरेक्ट लोग नमकीन बना रहे हैं और वो बेचते हैं, तो वो अभी बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है दोस्तों, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको घर से कैसे स्टार्ट करना है, घर की रसोई में जो भी आपका रहता है उसमें दोस्तों क्या चाहिए आपको, घर पे आपको गैस चूल्हा रहेगा, तेल रहेगा, बेसन रहेगा, जो भी आप घर पे नमकीन बनाते हो उसी तरह से आप इस नमकीन को थोड़ा सा माल मटेरियल आप 500 रुपए का भी अगर आप सामान लेते हो मार्केट से, बेसन तेल वगैरह, तो लेके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और इसकी पैकिंग कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पैकिंग कर लेनी है, ये पैकिंग आप 250 ग्राम, आधा किलो, किलो इस टाइप से पैकिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सेव बनाया हुआ है, इस टाइप से नमकीन में सेव चलता है जो कि सबको पसंद आता है, और ये आप देख रहे हैं इसमें ये पापड़ी बनाई हुई है, ये देखो बहुत ही सुंदर लगता है पैकिंग के बाद दोस्तों, ये प्रोडक्ट जब रेडी होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ये सब चीज़ें घर पे तैयार कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई एक्स्ट्रा इसमें आपको कुछ बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, घर पे सामान है तो ठीक है, वरना बेसन आटा ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ें खरीदनी है और आपका ये मटेरियल रेडी हो जाएगा। इसमें अलग अलग टाइप के आप आइटम बना सकते हो, इसमें आप भले ही आप 10 20 50 आइटम जितने चाहो वैसे बना सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। ये पापड़ी हो गया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आए आलू की चिप्स आ गई, ये आलू की चिप्स है, इसको ऐसे पैकिंग कर सकते हो आप। पैकिंग करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट दिखेगा ना वो बहुत ही लाजवाब होगा और बिकने के लिए तैयार हो जाएगा, और इसमें कोई स्टार्टिंग में आपको कोई लाइसेंस वगैरह की घर से जरूरत नहीं है। अगर आप इसको बड़े लेवल पर करेंगे तो आपको एक FSSAI का लाइसेंस ले लेना है, छोटा सा है मात्र, वो बहुत ही आसानी से 100-150 रुपये में मिल जाएगा, आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पैकिंग करना है, जिस तरह आलू की चिप्स है, केले की बनाना चिप्स है, उसको तैयार कर सकते हो। नमकीन के अंदर अलग अलग 10-12 आइटम बना सकते हो, क्योंकि इसमें बनाने में कोई महारत नहीं है, वो सबको पता है, अगर नहीं है थोड़ा आप वीडियो देख के भी जान सकते हो, बाकी हर घर में लेडीज़ को ये सब चीज़ें नॉर्मल आती है, तो आप इस तरह से घर में इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई स्टार्ट करने की, तो अभी बात करते हैं इसको बेचेंगे कैसे। मान लीजिए आपने घर पे माल स्टार्ट तो कर लिया, बना लिया, तो इसको बेचेंगे कैसे। दोस्तों इसको जैसे मैंने बताया ऐसे पैकिंग कर लेना है, और पैकिंग करने के बाद आप जो भी मार्केट में दुकानें हैं, जो भी किराने की दुकानें हैं या बेकरी की दुकानें हैं या और अदर बहुत सारी दुकानें होती है, वहाँ पर जहाँ पर आप अपने इस प्रोडक्ट को दिखाएंगे तो वहाँ पर आसानी से लोग आपके माल को खरीदेंगे, और आपको होलसेल में ज़्यादा
रेट नहीं रखना है। होलसेल में अगर आप किसी को 5-5 पैकेट 2-2 पैकेट ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, अब देखेंगे आपका माल ताज़ा है तो हम उनको बोल सकते हैं कि अगर मेरा माल अगर नहीं बिकता है तो आप रिटर्न ले लेना। तब ऐसा अगर बोलेंगे तो आपको 100% माल को ख़रीदेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका माल अच्छा है, ताज़ा है, क्वालिटी अच्छी है। तो आपको दूसरा इसमें तेल वगैरह अच्छी ब्रांडेड तेल यूज करना है, अच्छी क्वालिटी, साफ सफाई, हाइजेनिक तरीके से आपको बनाना है, ताकि माल क्या रिपीट ऑर्डर आए। दोस्तों आप देखेंगे अगर एक बार ऑर्डर आने लगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना माल आपको घर से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी सेलिंग है। और प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, इसमें होलसेल में लगभग 50% का मुनाफा है। अगर आपका माल मान लीजिए 100 रुपये में तैयार होता है तो आप 150 रुपये किलो तक आराम से होलसेल में बिकेगा। और रिटेल में अगर आप इसको बाहर कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह अगर लगा के इसको सेल करते हैं टेबल के ऊपर, तो इसको आप 200 रुपये किलो के आराम से आसानी से बेच सकते हैं। 100 रुपये का एक पैकेट, आधा किलो की पैकिंग कर लेनी है और 100 रुपये पैकेट, ताज़ा वेफर, ताज़ा नमकीन, लाइव नमकीन, ऐसा बोल के आप एक बोर्ड लगा सकते हैं और वहाँ पर इसको अच्छे से बेच सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला दोस्तों। दूसरा, इसी बिजनेस को आप बड़े अगर दुकान पर करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आप दुकान पे रेंट पे दुकान पे लेके, और यही माल अगर आप दुकान पे तैयार करेंगे तो, और वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन इसका अच्छे से कर देना है, अलग अलग जो भी वैरायटी आपकी 10-15 जो वैरायटी बनाएंगे वहाँ पे रख सकते हैं, और तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है इसका। और दुकान पे अब प्रॉफिट आप साथ में आपको जब वहाँ पे जैसे बनते लोग लाइव देखेंगे तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपको दुकान खाली एक अच्छी लोकेशन पर ले लेनी है, तो जहाँ आप देखेंगे दुकान में बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट आएगा। और दुकान पे जो भी आपकी जो लगभग 1 किलो माल अगर 100 रुपये में तैयार हो जाएगा आसानी से, 200 रुपये किलो दोस्तों आराम से आसानी से बिकता है। और इसको अगर आप बाहर चाहो आउटसाइड में तो दुकान से आप होलसेल भी कर सकते हो, अदर दुकान पे भी बेच सकते हो, वहाँ पे आपको मुनाफा कम करना है। तो दोस्तों बहुत ही बिजनेस बढ़िया बिजनेस आइडिया है, तो आपको पसंद आया होगा। प्रॉफिट इसमें अच्छा है, कोई तामझाम कुछ नहीं है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली स्टार्ट करने की देरी है, तो फटाफट स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।